माइग्रेन एक तरह का गंभीर सिरदर्द है जो कि आपको सिर के एक ही हिस्से में महसूस होता है। सिरदर्द सामान्य बात है, लेकिन माइग्रेन होना थोड़ा सा परेशानी भरा, क्योंकि माइग्रेन होने पर आपको दूसरी कई समस्याएं भी हो सकती हैं। माइग्रेन के मरीज को ये अटैक कभी भी पड़ सकता है। जब माइग्रेन होता है तो उल्टी जैसा लगता है, जी मचलाने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा भी छा जाता है। ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। दरअसल माइग्रेन कुछ बातों पर ट्रिगर करता है। किसी को ये किसी खाने की वजह से हो सकता है, किसी को ये किसी चीज की खुशबू से हो सकता है, या फिर लंबे तनाव भरे दिन के बाद शाम को माइग्रेन का अटैक हो सकता है। ऐसे में आप क्या करें? अगर आप घर पर हैं और आपको माइग्रेन अब बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आप कैसे इससे बच सकते हैं? इस वीडियो में जानिए माइग्रेन को दूर करने के छोटे छोटे और एकदम घरेलू उपाय, जो माइग्रेन के दर्द को पूरी तरह से नहीं तो कम से कम 90% तक तुरंत खत्म करने में कारगर है। सबसे पहला उपाय है अंगूर का जूस। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि माइग्रेन के दर्द में अंगूर का जूस आपको राहत दे सकता है। घर में अंगूर का जूस बनाने के लिए पानी और ताज़ा अंगूर को पीस लें और दर्द से राहत पाने के लिए इसे दिन में 2 बार पिएं। ये फाइबर, विटामिन ए और सी का पावर हाउस है, जिसमें काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इसके अलावा दूसरा घरेलू उपाय है अदरक। जी हाँ, अदरक शरीर के अन्य हिस्सों के तनाव और दर्द को दूर करने के साथ साथ माइग्रेन के दर्द से भी छुटकारा दिला सकती है। अदरक का रस, नींबू का रस या अदरक वाली 1 कप चाय या अदरक पाउडर लेने से आपको माइग्रेन के दर्द से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। अगला जो उपाय है वो है दालचीनी। जादुई दालचीनी सिर्फ आपके खाने का टेस्ट नहीं बढ़ाएगी, बल्कि माइग्रेन का इलाज करने में भी आपकी मदद करेगी। पानी मिलाकर दालचीनी को पीस लें और अब इस पेस्ट को 30 मिनट के लिए अपने माथे पर लगा लें। आपके माइग्रेन का पेन तुरंत रफू चक्कर हो जाएगा। चौथी जो चीज है कि जब आपको माइग्रेन हो रहा हो तो आप कैफीन की मात्रा को सीमित कर दें। यानी अगर आपको माइग्रेन के अटैक बार बार आ रहे हैं, माइग्रेन का पेन आपको बार बार आ रहा है, तो आप जो भी कॉफी आदि के प्रोडक्ट ले रहे हैं उनको कम कर दें। कैफीन के आदि लोगों को माइग्रेन की समस्या ज्यादा होती है। अगली जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि बहुत ज्यादा रोशनी में बैठकर काम नहीं करना है। ऐसा करना आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, इससे आपका माइग्रेन का पेन बढ़ सकता है। आखिरी जो उपाय है वो है मसाज। माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप या तो खुद या फिर किसी से अपने सर की मसाज करवा लें। मसाज ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है, जिससे आपको आराम मिलेगा और दर्द भी कम होगा। ऐसे ही जरूरी वीडियोस देखते रहने के लिए इंडिया स्पीक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।